नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कल हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था, कल लेक्चर 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उसके आधार पर कुछ असाइनमेंट लिया था। तो एक जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं अपने भाव के प्रति सजग होने का, अपनी पूरी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का, उसमें इच्छा विचार आशा को देखने का, उसके साथ ही जो पिछले लेक्चर में उन्होंने कंटेंट डिस्कस किया, तो मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को और बारीकी से देख पाने का, यह देख पाने का कि मैं ही करता हूँ, भोगता हूँ, दृष्टा हूँ, शरीर साधन मात्र है, उसको लेकर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट लिए थे। इसको करते हुए यदि ध्यान में कुछ बातें आई हों या कोई प्रश्न बने हों तो रख सकते हैं। तो जैसे ये था कि जो भी हमारा सुख और दुख है वो हमारी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है ना। तो चाहे सुविधाएं आसपास बनी हुई हो, परंतु यदि कल्पनाशीलता में अंतर विरोध है, द्वंद है, तो हम अतृप्त महसूस करते हैं। उसी का उदाहरण लिखा हुआ है कि ना, आप बैठे हुए हैं बट यदि किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव आ रहा है तो आप अपने आप में कैसे रहेंगे, आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। वैसे ही एसी चल रहा है बट आप उसी एसी में बैठ के किसी के प्रति आप विरोध के भाव के साथ विचार कर रहे हैं तो आपकी स्थिति क्या बनेगी। कोई डायरेक्टर हो, कोई परिवार के सदस्य हो, कोई संगी साथी हो, कोई मित्र हो, इन सब चीजों को हम बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप में कि अल्टीमेटली जो मेरा सुख दुख है वो मेरी कल्पनाशीलता में है। इसलिए अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने की जरूरत है, उस पर ठीक से काम करने की जरूरत है। और ये भी अपने को दिखता है कि मैं ही दृष्टा हूँ, देखने समझने वाला हूँ, तो समझने की जिम्मेदारी मेरी है और समझने से ही मेरा सुख है। भोगता तो मैं हूँ ही, अपने सुख और दुख का भोगता हूँ जी, अपने सुख और दुख का भोगता मैं हूँ ही। और जो सारे निर्णय ले रहा हूँ मैं ही ले रहा हूँ, कोई अन्य इकाई नहीं, ना शरीर ले रहा है, ना बाहरी कोई परिस्थिति ले रही है, वो मैं ही निर्णय ले रहा हूँ, तो मैं ही करता भी हूँ। और इस पूरे क्रम में शरीर साधन मात्र है, मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। इस बात को हम क्या अपने आप में बारीकी से देख पा रहे हैं? इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, है ना। इस बात को क्या हम अपने आप में बारीकी से देख पा रहे हैं या इस बात से ध्यान जा रहा है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया जी। ये मानव का होने में मैं केंद्र में हूँ या पूरी प्रकृति केंद्र में है? केंद्र में होने का मतलब कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, ठीक, और ये सुख दुख कहाँ पे हो रहा है? तो मुझ में हो रहा है। सुख दुख के लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं ही हूँ। इस अर्थ में मैं केंद्र में हूँ। अपने को सुखी करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरी है। तो मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। अगर प्रकृति की बात करेंगे तो फिर पूरे अस्तित्व की बात करेंगे, और अधिकतर के अस्तित्व के होने में जो केंद्र में है वो सह अस्तित्व है। तो पेड़ पौधे के होने में मैं केंद्र में नहीं हूँ, पशु पक्षी के होने में मैं केंद्र में नहीं हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, पशु पक्षी हो सकते हैं, पेड़ पौधे बड़े रह सकते हैं कि नहीं, तो उनके होने में मैं केंद्र में नहीं। तो जो बाहर की इकाइयां हैं, जड़ हो या चैतन्य हो, उनके होने में मैं केंद्र में नहीं। परंतु यदि मैं मानव के रूप में अपने आप को देखता हूँ, एक मैं और शरीर के अस्तित्व के रूप में देखता हूँ, तो दिखता है कि मैं और शरीर इन दो इकाइयों के संयोग के रूप में, अस्तित्व के रूप में मैं हूँ, और उसमें केंद्र में मैं हूँ, शरीर तो साधन मात्र है। अगर इसका ठीक ठीक ना देख पाए तो हो सकता है हम शरीर को केंद्र में रख लेते हैं, तो शरीर को केंद्र में रख कर ही सारा विचार करते हैं। अगर दिख जाए कि मैं केंद्र में हूँ तो अपने आप को केंद्र में रख के विचार करेंगे, शरीर को साधन की तरह देखेंगे। अगर शरीर को केंद्र में रख लिया तो फिर अपने को शरीर के लिए साधन बना देते हैं, तो शरीर के रंग रोहन के लिए, सुविधा जुटाने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए हम पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरा समय लगा देते हैं। तो प्रकृति के होने में मैं केंद्र में नहीं हूँ, है ना। मेरे होने में भी अगर मुझे दिखेगा कि प्रकृति केंद्र में नहीं है, मैं मेरा होना अपने आप में बना हुआ है, और मेरे होने के आधार में देखें तो सहस्तित्व है,
इन सब बातों को अलग करके देखने की जरूरत है। तो मेरा होना प्रकृति की अन्य इकाइयों पर निर्भर नहीं है, मैं हूं ही, मैं निरंतर हूं। कि बाहर की जड़ इकाइयां है ना, एक प्रकार से है तो भी मैं हूँ, दूसरी प्रकार से हूँ तो भी मैं हूँ। ये पेड़ पौधे बने रहे तो भी मैं हूँ, पेड़ पौधे न हो तो भी मैं हूँ। शरीर का होना इन पर निर्भर है, बाकी अन्य इकाइयों पर शरीर का होना निर्भर है, मेरा होना निर्भर नहीं है। तो ये अलग अलग बातें हैं। तो प्रकृति के होने के केंद्र में क्या है, मानव के होने के केंद्र में क्या है। जी, ये बात स्पष्ट हुई? हाँ भैया, बढ़िया भैया जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से तो उसको शेयर कर सकते हैं। और ये जो बात हो रही है कि हम हर 4 घंटे पे अपने साथ बैठकर कुछ समय लगाएं, 15 मिनट आधा घंटा लगाएं, तो हर किसी के साथ कुछ अनुकूलता हो सकती है, दिन के किसी पहर में किसी समय में उस समय लगाएं। जी नरेश जी, अब ऐसा करेंगे हम लोग कि हम लोग समस्याओं पे थोड़ी कम बात करेंगे और जो वस्तु है समझने की उसको केंद्र में रखते बात करेंगे, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर उसको रखें। जी हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे ट्री को ही मैंने ऑब्जर्व किया सर जी, तो ट्री हमें ऑटोमेटिकली वो फ्रूट भी बिना तोड़े हमें देता रहता है। जैसे आम के ट्री को देखा साहब आज की तारीख में मैंने जी, वो कच्चे आम भी जब उस पे एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं वो अपना आप टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं और उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा सब मैंने एक और पाया, बल्कि एक थ्योरी ये भी है कि फ्रूट के लिए हम जब ये एंटाइटी लें जब वो प्लांट से अलग हो जाए अपने आप। दूसरा सब मैंने पाया कि जितने भी प्लांट हैं प्रकृति है, उन्हें किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत है जी। और मैंने सर इस पर बहुत ऑब्जर्व किया सर कि मेरी तो उन्हें जरूरत है ही नहीं, मेरा ये कहना है सर। दूसरा जितनी चीज अवेलेबल है, मतलब मेरी जो अपनी कैलकुलेशन लगती है मेरे से कई गुना रिक्वायरमेंट से ज्यादा अवेलेबल है सर, वो ऑटोमेटिकली है ना। अगर अपनी आवश्यकता को ठीक से पहचान पाए और अपने उत्पादन की क्षमता को भी ठीक से पहचान पाए, हमको दिखता है कि पहले से काफी कुछ उपलब्ध है और क्योंकि कुछ मैं उत्पादन कर सकता हूँ और जितना मैं उत्पादन कर सकता हूँ उसका बहुत छोटा हिस्सा ही मैं उपभोग करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। जी सर, जी सर जी। और ये कुछ चीजें जो है ना, जैसे प्रकृति में अगर देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो पेड़ से जब फल अलग हो जाए तभी उसको हम लें, तो ऐसा कुछ अपने आप में बनाने की जरूरत नहीं है। हम उत्पादन करते हैं तो जब वो फल पेड़ से अलग हुआ तभी लेंगे ऐसा नहीं है, फल का भी हम सदुपयोग करेंगे, पेड़ का भी पोषण करेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे कब फल तोड़ना ठीक है कब नहीं है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है देखने की कि पेड़ में कोई कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव मुझ में है, सेल्फ में है। तो पेड़ ऐसा कुछ कर रहा है ना, बांट रहा है, ऐसा नहीं है। पेड़ का एक निश्चित व्यवस्था बना हुआ है, पेड़ में वृद्धि होती है, पुष्टि होती है, पेड़ बढ़ता है, उसमें फल अपने आप आते हैं, फूल आते हैं, है ना। उस फल और फूल की भी प्रकृति में भागीदारी है, उससे मेरे शरीर का भी पोषण होता है, अन्य प्राणावस्था की इकाइयों का भी पोषण होता है। तो पेड़ में कोई कर्ता भाव नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब हम मानव के व्यवहार से दुखी होते हैं या मानव के व्यवहार को देखकर हमको लगता है कि बहुत ठीक नहीं चल रहा है, तो हम फिर पेड़ पौधों से प्रेरणा लेने जाते हैं, पशु पक्षियों से प्रेरणा लेने जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, पेड़ पौधों को पेड़ पौधों के रूप में समझ लेंगे, पशु पक्षियों को पशु पक्षियों के रूप में समझेंगे, मानव को मानव के रूप में समझेंगे, और मानव की भी भागीदारी है प्रकृति में, है ना। तो हम प्रकृति को जितना संवर्धित कर सकते हैं पशु पक्षी उतना संवर्धित नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रकृति को बहुत ज्यादा संवर्धित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उस भागीदारी को समझने की जरूरत है। जी सर, जी सर जी, सही सही सर, थैंक यू। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया जी। नमस्ते,
भैया एक डाउट है मेरे दिमाग में कि सेल्फ सिर्फ ह्यूमन में होता है या बाकी यूनिट्स में भी सेल्फ होता है, जीवावस्था में भी है, तो या लिविंग, सारे प्रतिपक्ष लिविंग बींग्स में सेल्फ होता है ना? नहीं, तो लिविंग किसको कह रहे हैं वो समझना होगा। अगर पेड़ पौधों को भी लिविंग कह रहे हैं तब तो नहीं है, पेड़ पौधों में सेल्फ नहीं है। बट यदि हम विल टू लिव को लिविंग कह रहे हैं, जिसमें जीने की आशा है उसको लिविंग कह रहे हैं, तो फिर पशु पक्षी में है ना, मनुष्य में भी है, फिर तो हमको लिविंग को ठीक से डिफाइन करना होगा। तो अगर हम विल टू लिव, जीने की आशा को लिविंग कहते हैं, ठीक, तब तो फिर पशु पक्षियों में है, यानी पशु पक्षी लिविंग है, हम लिविंग है, पेड़ पौधे लिविंग नहीं है, क्योंकि तो पेड़ पौधों में कोई जीने की आशा नहीं दिखाई देती, कोई सेल्फ नहीं दिखाई देता। जी बट फिर दैट मींस एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर दोनों में सेल्फ है। है ना, हाँ इसको मानने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जांच के देख सकते हैं। जी ओके 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 जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ भैया, आप दृष्टा कर्ता और भोक्ता की बात समझा रहे थे कल, जी तो मैं जो मैं समझ पा रहा था, दृष्टा जो भाव है या दृष्टा जो है वो ब्लॉक B1 की क्रिया है, वहां से हम दृष्टा पद में स्थापित होकर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और जो कर्ता है वो आपने बताया ब्लॉक B2 की क्रिया है, और भोक्ता जो है वो ब्लॉक B2 और ब्लॉक B1 दोनों की क्रिया दोनों में है। यहाँ तक ठीक है भैया? जी तो इसमें जो कर्ता है भैया, वो अपन जो हमारी B2 ब्लॉक की क्रियाएं हैं उसमें हम उसको कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें चयन जो है वो उसको हम कर्ता बोल रहे हैं, या चयन के पीछे तुलन विश्लेषण और चित्रण जो सारा है उसको हम कर्ता बोल रहे हैं, एक तो ये थोड़ा सा स्पष्ट पूछना चाह रहा था, और सेकेंडली जो भोक्ता की बात कर रहे हैं आप, दोनों ब्लॉक में हैं, तो वो अब जो आस्वादन के तल पर जो चल रहा है वो भोक्ता है ब्लॉक B2 में, और फिर जो हम अनुभव के साथ जो पूरी प्रकृति को भोग रहे हैं उसका जो हम जो आनंद और जो फीलिंग हो रही है उसको हम भोक्ता बोल रहे हैं जब ब्लॉक B1 की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा इसमें आप और थोड़ा क्लियर करें भैया, तो ज्यादा स्पष्टता मिल पाएगी। है ना, तो वहां पे भी है, तो परमानंद का भी हम अपने आप में देख पाते हैं, स्थिति को देख पाते हैं, वो तो भी हम भोग रहे हैं, परमानंद को हम सुख ले रहे हैं, उसका आनंद को भी हम भोग रहे हैं, संतोष को भी हम भोग रहे हैं, शांति को भी भोग रहे हैं, सुख को भी भोग रहे हैं, तो ब्लॉक B1 में भी भोग रहे हैं, ब्लॉक B2 में भी। जी 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 कर्ता भाव को देखें तो सिर्फ चयन में क्यों कहेंगे, क्योंकि तो विश्लेषण में भी है, चित्रण में भी है। तो अब वो अगर बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो जो भी गति क्रिया है वहाँ कर्ता भाव है, तो हम अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं तो भी हम कर्ता हैं, हम संकल्पित हो रहे हैं तो भी हम कर्ता हैं, चित्रित कर रहे हैं तो भी कर्ता है, विश्लेषित कर रहे हैं तो भी कर्ता है, चयन कर रहे हैं तो भी कर्ता है। बट अभी जो क्योंकि वहां निर्णय हो रहा है ना, वो बाकी क्रियाओं को प्रेरित कर रहा है, जी तो शरीर को भी प्रेरित कर रहा है चयन के आधार पर, तो अगर उस तरह से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, परंतु यदि हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो ब्लॉक B2 में कहना ठीक है, क्योंकि निर्णय जिस तरह से हम ले रहे हैं निर्वाह के लिए वो ब्लॉक B2 में ले रहे हैं। जी बट यदि हम गति को भी निर्णय कहें तो निर्णय अगर कर्ता भाव है तो फिर वो तो ब्लॉक B1 में भी दिखाई देगा, ब्लॉक B2 में भी, हर गति क्रिया में दिखाई देगी। जी 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 जो करता है वो स्थिति क्रिया में है भैया, जो स्थिति क्रिया जिस स्थल गति पे है गति वो, गति क्रिया हाँ गति क्रिया, सॉरी सॉरी, जो भुगता है वो स्थिति क्रिया में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और फिर जो दृष्टा है वो केवल ब्लॉक B1 की बात है, जहाँ पे हम अनुभव की बात कर रहे हैं वही दृष्टा पद है। देखिए इसमें भी यदि हम शुद्ध दृष्टा की बात करें बिना किसी मान्यता या संवेदना के प्रभाव के तो ब्लॉक B1 में है, बट जी अभी भी हम देख तो रहे ही हैं, तो जी हम आंखों से जो आस्वादन कर रहे हैं जी उसको देखना तो कहेंगे ना, भले रूप का आस्वादन हो रहा है, ये भी जी दृष्टा होना हुआ, बट शुद्ध दृष्टा नहीं कहेंगे इसको,
हाँ, हम जहां पर हैं वहां से भी देखना हो रहा है, तो वो हर तल का दृष्टा बदल रहा है, लेकिन शुद्ध दृष्टा हम अनुभव के तल पे बोल रहे हैं, जहां पे भी मान्यता भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, अनुभव नहीं, एक नेचुरल अनुभव बोध चिंतन तीनों स्तर पर। अच्छा, ब्लॉक B1 की बात हो रही ना, तो अनुभव के आयाम की बात हो रही ना, कि अनुभव क्रिया की बात हो रही है। जी जी लेकिन भैया बाकी जो शास्त्रों में बोला गया वो तो आत्मा के लिए ही दृष्टा पद की बात की गई है, आप बोध और चिंतन के तल पर भी बात कर रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि बोध चिंतन इवन ब्लॉक B2 में भी है दृष्टा का, वो जो दृष्टा की वाली बात है जो अभी आपने बोला रूप का जहाँ होगा गुण का होगा, लेकिन जिसको बाकी शास्त्रों में जो बोला गया वो तो केवल आत्मा के तल पर बोला गया है कि वो दृष्टा पद है, तो वो बिल्कुल शुद्ध दृष्टा पद की बात कर रहे हैं वहां पे। देखिए फिर वो देखना होगा आत्मा भी किसको कह रहे हैं, तो आत्मा को भी तीन प्रकार से रखा गया है, अनुभव की क्रिया को भी आत्मा कह सकते हैं, अनुभव के आयाम को आत्मा कह सकते हैं, या पूरी चैतन्य इकाई को भी आत्मा कह सकते हैं। तो परंपरा में जो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है इन तीनों वास्तविकताओं को इंगित करने के लिए हुआ है। तो अगर हम है ना अपने आप में ऑब्जर्व करें तो सहस्तित्व का दृष्टा जो है वो अनुभव की क्रिया है, वहां हम आत्मा को प्लेस करेंगे। जो व्यवस्था का दृष्टा है वो बोध की क्रिया है जी, और जो भागीदारी का दृष्टा है वो चिंतन क्रिया है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अस्तित्व के दृष्टा हैं, हम भागीदारी के भी दृष्टा हैं, व्यवस्था के भी दृष्टा हैं। जी, तो पूरा फिर तो ये सभी क्रियाओं में फैल के हो रहा ना भैया, दृष्टा कर्ता और भोक्ता तीनों भी सभी क्रियाओं में फैल के हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल कर्ता को भी अगर रिलेट करने जाए कि अगर कोई दूसरी क्रिया को प्रेरित कर रहा है जहाँ गति है, तो फिर सारी गति क्रियाओं को हम कर्ता कहेंगे, है ना। और जहाँ स्थिति अगर हम उसको भोगता करें, भोगने का मतलब क्या हो, कोई स्थिति में जा रही है बात, सुखी है कि दुखी है, तो फिर सारी स्थिति क्रियाओं को हम भोगता कहेंगे, है ना। और दृष्टा में भी अगर हम देखें तो देखने का निर्णय गति क्रिया में होगा, देख पाना स्थिति क्रिया में होगा। जी देखिए, इसलिए बहुत ज्यादा इनका विश्लेषण करने के बजाय हम अपने आप में देखने का काम शुरू करें, है ना, ज्यादा जी जी, नहीं तो फिर एक वोकैबुलरी तो हमारी बढ़ती जाती है बट उसमें जो देखने वाला भाग है वो छूटता रहता है। तो निर्णय लेने को अगर हम कर्ता कहें तो सारी गति क्रियाओं में निर्णय है, उसको हम कर्ता कहेंगे, है ना। स्थिति को हम भोक्ता कहें क्योंकि कुछ हमने भोगा तो स्थिति में ही तो आया, तो सारी स्थिति क्रियाओं को भोक्ता कहेंगे जी, ठीक है ना। और देखने जब जा रहे हैं तो वहां निर्णय भी है और स्थिति भी है, देखने का निर्णय है और देख पाने की स्थिति है, तो दोनों जगह रखेंगे उसको जी, है ना। अब वो डिपेंड करता है क्या देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, गुण को देख रहे हैं, है ना, स्वभाव को देख रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, संस्कृति को देख रहे हैं। बट यदि एक ग्रॉस लेवल में बात करें मोटा मोटी, तो शुद्ध दृष्टा ब्लॉक B1 को कह रहे हैं, ठीक, और जो निर्वाह के लिए निर्णय ले रहे हैं वो ब्लॉक B2 में है जी, कि नहीं। और सुख दुख अगर भोग रहे हैं दोनों मिला जुला कर तो ब्लॉक B2 में है, निरंतर सुख भोग रहे हैं तो ब्लॉक B1 में है जी। जी भैया, हाँ, तो भैया वही जब ब्लॉक B2 से जो भी हो रहा है तो वो भ्रमित अवस्था ही है भैया, और ऊपर जो हम देख रहे हैं वो शुद्ध अवस्था है। B1 की बात करें तो हम शुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं जी। जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। नमस्ते, सभी को नमस्ते। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप निर्देश देते हैं कि सजगता को पूरे दिन में बनाए रखना है और जो अभ्यास है उसको करना है, तो उसमें ये दिखा कि नहीं, बाहर से जो कुछ इनपुट आ रहा है तो उसपे जो पहले बहुत अपने भीतर प्रतिक्रिया होने लगता था वो नहीं हुआ, कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उसमें भैया मेरा दुख ये है कि हम तो कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखते कि हर हमेशा मेरे अंदर अच्छा ही भाव जो है सो चले। तो एक चीज तो ये दिखा, और जैसे आप लोग दृष्टा वाला चीज बताते हैं, जैसे इंग्लिश वाले में शर्मिला दीदी जी भी बताई थी कि जैसे नदी झरना के साथ हम लोग बह रहे हैं और झरना के किनारे बैठ करके जो पानी में जो भी चीज है उसको देख रहे हैं, तो एक दो घटना ऐसा हुआ वो सब हम अब यहाँ नहीं करेंगे। उसमें मुझे लगा कि मैं इसको देख तो रही हूँ लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मैं, जैसे होता है ना कि देख रहे हैं और उसमें अंदर अंदर प्रतिक्रिया भी चल रहा है, वो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं उसको एकदम बिल्कुल बिना उसके जो है सो देख रही हूँ। तो इतना काम हो
हो पाया। अब अभी हम उस हड़बड़ी में या क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम हर हमेशा अपने अंदर अच्छे भाव को ही बनाए रखिए, ये समझ में नहीं आ रहा। जी भैया देखिए, तो भाव को बनाने जाएंगे तो थोड़ा तो हिलना डुलना बना रहेगा, हमको भाव को देखना है, वस्तु को देखना है, संबंध को देखना है जी। जैसे दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इस बात को देखना है। अगर इस बात को हम देख पाएंगे तो सहज रूप से मेरे अंदर विश्वास का भाव बना रहेगा जी, जी, जी। ना? तो हमें संबंध को देखना है, संबंध को देखेंगे तो संबंध का भाव भी बना रहेगा। बट यदि हम संबंध को ना देख पाए और भाव को बनाए रखने का प्रयास करें तो उसके बारे में विचार कर पाएंगे जी, उसमें हमारे अंदर शंकाएं द्वंद बने रहेंगे जी। अब जैसे भैया कल शरीर थोड़ा सा कुछ अव्यवस्था था, तो अब आप तो बताए थे पिछले सेशन में, मॉर्निंग सेशन में, जो बच्चे को आप शरीर के रूप में दीदी देखते हैं या जीवन के रूप में, तो अब बच्चे कुछ शैतानी कर रहे थे तो अंदर अंदर जो है वो थोड़ा हमको वैसा हो गया कुछ देर के लिए, तो वो हमको ये भी लगा कि शायद उस घटना के लिए हम दूसरा मान्यता बनाए रखे रहे थे कि उसके उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना है या क्या, इसके लिए तो बहुत सारा चला अपने अंदर। लेकिन ठीक है भैया, इसको तो हम साफ साफ देखे कि उस पर हम एकदम सहज तो नहीं थे, ठीक है बच्चों को नहीं प्रताड़ित किए या डांटे वो अलग बात है, लेकिन वो दिखा तो नहीं, ठीक है भैया ऐसे ही लड़खड़ाते हुए अब कर रहे हैं कुछ कुछ अपने ऊपर काम, क्या करें जी भैया। जी जी भैया, दीदी आप सुबह के सत्र में जुड़े रहे और ऑब्जर्व करते रहे। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद सभी को भैया। हाँ बेटा, हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते, आपके सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बट थोड़ी कंपनी, अब तो शायद ठीक। हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी भैया, जी आ रही है। ये बात आई थी जैसे कि ह्यूमन बीइंग का प्रकृति के संवर्धन में योगदान है, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि यदि ह्यूमन बीइंग ना हो तो शायद ज्यादा संवर्धित होगी, मतलब ज्यादा संवर्धन होगा प्रकृति का। एक मैंने कहीं रिसर्च भी पढ़ी थी, उसने ये बताया गया कहीं पे एटॉमिक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया और या डेंजरस लेवल पे था तो वो लीकेज हो गई और वो एरिया खाली कर दिया गया, ह्यूमन बीइंग को वहां से हटा दिया गया, और 10 साल के बाद वहां आके देखा गया कि वहां जो नेचर है, मींस जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो किए हैं। मींस इतना एटॉमिक जो लीकेज के कारण इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान हम ह्यूमन बीइंग कर देते हैं प्रकृति का। तो इस पे आप बताएंगे कि यदि इंसान ना हो तो प्रकृति का क्या क्या हो सकता है, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं कुछ? वही, तो इंसान अगर नासमझ हो तो प्रकृति का क्षय करेगा, नुकसान करेगा, प्रदूषण करेगा, संसाधनों खराब करेगा। अगर मनुष्य समझदार हो है ना, तो प्रकृति का पोषण करेगा। तो अभी आप देखें तो उदाहरण जो आपने लिए, ऐसे भी उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने अपने प्रयास से 30 स्क्वायर किलोमीटर में पेड़ लगा दिए। एक व्यक्ति अभी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने 2.5 लाख घोंसले बना दिए पक्षियों के लिए, है ना। किसी व्यक्ति ने बड़ी नाले को नदी का रूप पूरा दे दिया, जो नदी सूखी जा रही थी। तो ऐसे भी अनेक उदाहरण है। तो अगर हम समझ के साथ चले तो प्रकृति को बहुत ज्यादा संवर्धित कर सकते हैं। समझ के अभाव में चले तो हम प्रकृति को छीन कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमें दोनों तरफ देखना होगा कि हम समझ के साथ। लेकिन भैया जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, हाँ जी जी, वो बात ठीक है भैया, लेकिन जैसे जो भी एग्जाम्पल दिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो जो चीज हमने रिकवर की, जो लोग बनाए, जिन लोगों ने बनाया, उसको शेयर भी तो हम लोगों ने किया था, वो हमारे द्वारा ही खराब किए हुए थे। वही, तो उसको हम ना करें। देखिए अभी हम अपने दिनचर्या में देखें, अभी हम है ना प्रकृति से जो कुछ ले रहे हैं, ठीक है ना, तो प्रकृति को संवर्धित करने की कोशिश करें। अगर हम लकड़ी का प्रयोग करें तो कितने पेड़ लगा रहे हैं, अगर हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं तो कार्बन मतलब हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें देखना होगा। अगर हम मिट्टी से खनिज लवण ले रहे हैं, अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो मिट्टी में खनिज लवण को पुष्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए ऐसा हम दो एक्सट्रीम में चलते हैं, या तो हम कहते हैं मानव बिल्कुल बेकार है, इसकी जरूरत ही नहीं प्रकृति में, है ना, या हमको लगता है कि मानव जो है प्रकृति पे राज करे,
प्रकृति का स्वामी हो जाए, अभी दोनों एक्सट्रीम ठीक नहीं है। प्रकृति में हमारी पूरकता है, जैसे अनिका यहाँ पूरक है, हम भी पूरक है। हम कुछ प्रकृति से लेते हैं, कुछ प्रकृति को देते हैं, और हमारे अंदर कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता से हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे तो अपने देश में कई लोग हैं जिन्होंने हजारों पेड़ लगा दिए हैं, नहीं तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग हैं जो पशुओं के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, मिट्टी संरक्षण के लिए, मिट्टी संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, वनों के संवर्धन संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, है ना, पहाड़ों को इन्होंने हरा भरा कर दिया है। तो ऐसे भी अनेक उदाहरण है। ठीक है भैया, बढ़िया भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एक दृष्टा पर एक प्रश्न बन रहा था जी। मैं कल कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऐसे देख रहा था कि विचार तो पहले करता था तो सर में थोड़ा सा ऐसे दिखता था कि सर भारी सा लग रहा है, तो वो तो भारीपन पे तो एकदम ठीक हो गया है। लेकिन अभी मैं जब चित्रण ही करने का प्रयास करता हूँ तो भैया आंखें में देखता हूँ इधर उधर होती है, तो इसका मतलब मैं क्या दृष्टा होकर एकदम प्योर ऑब्जर्वर की तरह देख पा रहा हूँ कि, या फिर आंखें क्यों इधर उधर हो रही है, तो इसका मतलब मैं आंखें से आंख से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा इसमें एक ऐसा हो सकता है कि हम शरीर पे जोर लगा रहे हैं देखने के लिए। जी जी, इनफैक्ट आपको जैसे जैसे आप सजग होते जाते हैं आपको दिखता है कि व्यवस्था तो उपलब्ध है, संबंध उपलब्ध है, व्यवस्थित उपलब्ध है, सिर्फ मुझे अपने में प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे इसको देखना है। तो ये जो हम प्रायोरिटी को नहीं अगर हम सेट कर पाए अपने आप में, मतलब हमको उसका महत्व ना दिखाई दे, प्रायोरिटी सेट करने का भी ऐसा सकता हम दबाव डालें उसकी भी जरूरत नहीं है। हम अपने आप में पूछें, अपने आप में देखें कि मैं जिस स्थिति में सहज रूप से होना चाहता हूँ वो क्या है, तो दिखाई देगा वो संबंध की स्थिति है, व्यवस्था की स्थिति है, सहस्तित्व की स्थिति है। तो हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को जितना फोकस करेंगे उतना शरीर पे भी दबाव नहीं बनेगा, कल्पनाशीलता पे भी दबाव नहीं बनेगा, और जो मेरे अंदर पोटेंशियल है देखने का जी भैया उसको मैं एक्टिवेट कर पाऊंगा। इसलिए सहज स्वीकृति को बार बार ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि तो होता यह कि अगर उस पर ध्यान न जाए तो हम कई बार विचारों से प्रयास करते हैं। जी भैया, ऐसा ही हो रहा है विचारों से, या फिर करते हैं तो फिर हम मेधा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिर हम कुछ ना कुछ चयन करते हैं वहां पर, और फिर मेधस का प्रयोग करते हैं, फिर से मेधस पे जोर पड़ता है, शरीर पे जोर पड़ता है। भैया ऐसा है कि जब चित्रण ही कर रहे होते तो आंखें क्यों ऐसा हिल रही हैं, ऐसा एक इसका थोड़ा अपने आप में कुछ सही सा जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर बता दीजिए। देखिए देखना होगा चित्रण ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, हो सकता है विचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए चित्रण करेंगे ना तो संबंध पूर्वक जीने का चित्रण करेंगे, व्यवस्था पूर्वक जीने का चित्रण करेंगे, अगर हम सजगता के साथ करने जा रहे हैं सहस्तित्व पूर्वक जीने का चित्रण करेंगे, अन्यथा हम उसके बारे में विचार करेंगे, फिर हम किसी परिस्थिति विशेष को लेकर विचार करेंगे, फिर अपने ऊपर जोर लगाते हैं, ऐसा हो सकता है, मतलब एक संभावना के रूप में। जी जी, बढ़िया भैया, अच्छा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप लोग, काफी रेलिवेंट प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो भैया जी कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे अभी बातचीत चल रही थी, एक तो हो गया संबंध, एक हो गया भाव, एक हो गया विचार, एक हो गया चिंतन, ये जैसे जैसे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में तो आता है कि रिएक्शन नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना है, शायद उसकी आदत भी बन चुकी है कि मतलब ठीक है, मतलब वो आ गया व्यवहार में, मुझे ऐसा लगता है मेरे तो। जैसे पहले कोई बात करता था, फिर ये होता है सहज स्वीकृति वाली चीजें, तो पहले कोई बाहरी इंसान कहता था तब भी मैं सहज स्वीकृति नहीं सोच पाता था, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ना कि मुझे जैसा जैसे पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, या घर में माता पिता या बहने हो गई, जैसे मैं का संभार, बाहर लोगों को तो मैं समझ जाता हूँ कि ठीक है सहज स्वीकृति से, कि
चलो ये जो बोल रहा है ये कैसा बोल रहा है कैसा नहीं बोल रहा है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन जो मेरे बहुत करीब लोग हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है ना, जो जैसा है उसको ऐसा उसको स्वीकार लीजिए, तो जो जैसा है वैसा स्वीकारने में पहले की तुलना में तो मतलब अच्छा ही हुआ है। मतलब जो जैसे पहले मैं बताऊं, अगर बागाड़ी सर की बात करूं, यहीं पे पूरा कर लेते हैं, जो जैसा उसको वैसा स्वीकारने के पहले जो जैसा उसको वैसा देखना बनता है। अच्छा, तो हमने देखा नहीं, मान लिया और फिर स्वीकार लिया तो फंस गए। तो जब हम जैसा वैसा देखते हैं अगले मानव को, तो दिखता है कि उसकी चाहना तो ठीक ही है, उसकी समझने की क्षमता भी है ही, समझने का कार्यक्रम भी निश्चित है, योग्यता की कमी है। ये पूरे भाग को अगर हम नहीं देखा, संपूर्णता को नहीं देखा, ठीक, और उसकी योग्यता की कमी को देख के स्वीकार लिया, तो फिर हम परेशान तो होंगे ही। हाँ, तो ये आपने सही कहा, क्योंकि कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा आता है ना कि इसको ये भी नहीं पता, इसको इसको ये भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि तो हम वहां पे उसकी योग्यता की कमी को तो देख रहे हैं, उसकी चाहना को नहीं देख पा रहे, क्षमता को नहीं देख पा रहे, समझने कार्यक्रम को नहीं देख पा रहे, इसलिए हम उसका अवमूल्यन कर दे रहे हैं, हम उसका राइट इवैल्यूएशन भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर हम उसको जब नहीं समझा पा रहे तो अपना अंडर इवैल्यूएशन कर लेते हैं, समझा देते हैं अगर, यानी अधिक से अधिक हमने अपनी बात मनवा दी तो हम उसको अपना ओवर इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ये सारा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। नहीं, जैसे जैसे मुझे ना अगर दो बातें हैं और मेरी बिटिया अगर वही बात करेगी तो मेरे को लगता है नहीं, मतलब ठीक है मैं समझा दूंगा, मुझे पता है कि योग्यता में कमी। अगर वही बात मेरी पत्नी बोल दे तो मुझे कभी कभी बात चुप जाती है, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। बिटिया जब वही बात कहती है तो मेरा बिल्कुल, वाइफ मेरी बोलती भी है कि आपका व्यवहार उससे अलग होता है, मुझसे अलग हो जाता है एक ही बात पे। तो यहाँ पे ना उसका बात कहना भी सही है, तो यहाँ पे मैं ना समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ। नहीं, ये तो बहुत सिंपल है कि आपने पत्नी के बारे में कुछ माना हुआ है, बेटी के बारे में कुछ और माना हुआ है। तो बेटी के बारे में आप मानते हैं कि इसकी उम्र कम है, इसको समझना है, ये अभी समझी हुई नहीं है और इसको अभी समझाने में मेरा सहयोग है। पत्नी ग्रोन अप है तो उनके बारे में मान लेते, इतनी समझ तो होनी चाहिए, है ना। तो आपके मानना में अंतर है। तो हम जैसे किसी व्यक्ति के बारे में मान लेते हैं कि इसमें इतनी समझ तो होनी चाहिए, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। अगर हम उसके समझ की स्थिति का आकलन कर पाते हैं और उसके अनुसार फिर व्यवहार को तय करते हैं, तो हमारा व्यवहार हर क्षण पूरकता के अर्थ में होता है। तो उसके व्यवहार को देखकर या उस व्यक्ति की स्थिति को देखकर हम ये तय कर पाते हैं कि हाँ, इतना नहीं समझ पाया व्यक्ति, भले ही समय हो गया है। उसमें भी हम अपने बारे में भी कुछ मान लेते हैं कि अगर हमने इतना समय लगा दिया तो हम इतने समझदार तो हो ही गए, तो ये भी ठीक नहीं है। अभी मैंने सोच रहा था मेरे में अगर ये निकल जाए, शेयरिंग को भैया थोड़ा और बाद में रख लेंगे। हाँ जी, अभी जो सामने कंटेंट है उसको लेकर थोड़ा प्रश्न कर लेते हैं। जी भैया, जी जी भैया, सबको नमस्ते। मैं शुरुआत में सुन पा रहा था कि जीवन आशा पौधों में नहीं होती है, जीवन प्रत्याशा या जीवन आशा, तो क्या ये हम सही सोच पा रहे हैं? मैं थोड़ा अलग तरह सोच रहा था कि एक पौधा कितने संघर्ष, हर संघर्ष के बाद भी अपने आप को जीवित रख पाता है, मौसम में संघर्ष करता है, प्रकृति के साथ संघर्ष करता है, तो क्या उसमें जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की आशा नहीं होती? मैं थोड़ा सा संघर्ष में था इसमें सोच में, प्लीज। देखिए भाई, जीना किसको कहते हैं, आशा क्या होती है, ये सब अपने को समझना होगा। तो आशा कहाँ है, मैं में या शरीर में? जैसे अपने बारे में ऑब्जर्व करें तो क्या लगता है? मैं में। तो अगर पेड़ में मैं है ही नहीं तो आशा कहाँ से होगी? इसको ऑब्जर्व करना बनता है। जी, तो पेड़ पौधों को देखे तो उसमें कोई मानने क्रिया नहीं दिखाई देती, उसमें कोई मेघक जैसी रचना भी नहीं दिखाई देती। तो फिर उसमें ग्रोथ किन कारणों से होती है? आपके बॉडी में भी हो ही रहा है, बट आपका बॉडी मैं तो नहीं है। देखिए, पेड़ पौधे में वही सब क्रियाएं हो रही हैं जो आपके शरीर में हो रही है, इसलिए बार बार हम लोग इस पर ध्यान दिला रहे हैं कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। तो बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, बॉडी में रचना भी रचना हो रही है, शरीर में हम भोजन डालते हैं, भोजन पच जाता है, है ना। वैसे ही पेड़ पौधे खनिज लवण को सोखते हैं और पुष्ट हो जाते हैं,
जरूर जरूर, मैकेनिकल वर्क हो रहा है जी जी, प्लीज है ना, थैंक यू जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, और मटेरियल एक्टिविटीज इनको अलग अलग करके देखने की जरूरत है जी जी, एग्जैक्ट, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो, नमस्ते भैया जी, नमस्ते। अभी अभी पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था, इजराइल के कुछ साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग किए जिसमें पाया गया कि जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो वो देख रहा है, और इसे उन्होंने कुछ उसका मापन भी किया था, तो इसका शुरुआत तो हमारे जो, अगर आप जगदीश चंद्र बोस के प्रयोग को देखें, हाँ जगदीश चंद्र बोस वही पर आ रहा था मैं, तो उनका भी वहाँ रेफरेंस था, इंडियन एक्सप्रेस में इसका कुछ पब्लिकेशन भी हुआ था, तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो इस बारे में थोड़ी सी एक शंका थी, धन्यवाद। तो जो सारा स्टडी हुआ है बहुत ही रासायनिक क्रियाओं का हुआ है, जैसे हम अगर अपने शरीर को भी है ना उसमें अगर कुछ काटे फाड़े कुछ करें तो शरीर की कोशिकाओं में भी संकुचन प्रसारण होगा ही होगा कि नहीं, वैसे पेड़ पौधों को हम काटते हैं तो उनमें संकुचन प्रसारण होगा ही होगा। हाँ जी, उसमें ये कहा गया था कि उनका जो प्लांट प्लांट के जो रिएक्शंस है वो कुछ जीव जीव संवेदना उनकी समझ पाते हैं, हम इंसान उसे समझ नहीं पाते, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। वही तो हम ये कहेंगे वहां पे कि हम कुछ नहीं समझ पा रहे, ये क्यों कह दें कि उसमें कॉन्शियसनेस है, ये निर्णय हमने कहां से दे दिया कि उसमें लाइफ है, हम ये कहें ना कि प्रयोग से हमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है इतना एक्सेप्टेबल है जी। नहीं, कॉन्शियसनेस तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन कुछ कुछ प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेंसेशन हो सकता है, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें फिर प्रिसाइजली प्लेस करेंगे, मुख्य मुद्दा है कि चैतन्यता है कि नहीं जी, तो जब जी, तक हम अपने आप को चैतन्य इकाई के रूप में न देख पाए तो बाकी सब इकाइयों में जो भी प्रयोग करेंगे ना अनुमान ही लगाएंगे, और दूसरा और वो सिकुड़ गया तो जरूर इसमें लज्जा भाव है, अब भाई ये कैसे हाँ। बना दिया कि इसमें लज्जा भाव है जी 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 जी। एक और सवाल था सर, एक और सवाल था जी, कल मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रहा था तो उसमें ये कहा गया था कि कर्ता कर्ता और भोक्ता का पद त्याग कर अगर हम दृष्टा पद में स्थिर हो जाए तो हमें निरंतर सुख या आनंद की अनुभूति होगी, तो इस बारे में थोड़ा सा आप ये करेंगे जी। वहां जो बात कही जा रही है कर्ता भाव से मुक्त होने की जो बात कही जा रही है ना, तो उसमें कर्ता क्या होता भोक्ता भाव से मुक्त होकर, हाँ आ रहे हैं भोक्ता में भी आ रहे हैं, तो कर्ता भाव से मुक्त होने की जो बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि यदि हम संबंध को ना देख पाए, व्यवस्था को ना देख पाए, अस्तित्व को ना देख पाए, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम अपनी जगह है और मेरे करने से घटनाएं हो रही हैं, तो इससे फिर हमारे अंदर अपने अंदर एक दुराव पैदा होता है, अपने आप को मैं प्रकृति से देखता हूँ, अहम भाव अहंकार अहंकार, हाँ तो अहंकार का भाव पैदा होता है। तो वहां जो मुख्य रूप से बात कही जा रही है वो ये है कि आप अहंकार से मुक्त हो जाए, ये जो हम अपने आप को अलग थलग देख रहे हैं इस पूरे अस्तित्व से प्रकृति से, उससे हम मुक्त हो जाए। तो वहां पे भी जब अष्टावक्र कुछ कह रहे हैं तो कर्ता भाव से ही तो कह रहे हैं, है ना, शब्द वही है अर्थ अलग है वहां पर जी जी। अगर दृष्टा अगर वो सुन रहे हैं है ना जनक जी की बात को तो भोक्ता भाव से तो सुन रहे हैं जी, तभी तो सुन पा रहे हैं जी, कर्ता भाव तभी तो कह पा रहे हैं, तो निर्णय तो हो ही रहा है मैं में, है ना, और आस्वादन भी हो ही रहा है मैं में जी, तो कर्ता भी है भोक्ता भी है, परंतु मेरी समझ ये बन गई थी कि कर्ता और जी अभी रुक जाते हैं वहां पे है ना, तो जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि निर्णय तो मैं में है ही, है ना, आस्वादन की क्रिया मैं में है ही, ठीक है, परंतु जब मैं संबंध को देख पाता हूँ, व्यवस्था को देख पाता हूँ, अस्तित्व को देख पाता हूँ, तो मुझे भी दिखता है कि जो कुछ हो रहा है वो नियम पूर्वक हो रहा है, तो प्रकृति का नियम ही ऐसा है, अस्तित्व का नियम ही ऐसा है, तो मेरे करने से हो रहा है ऐसा नहीं है जी, तो मेरे अंदर जो भाव विचार है, मेरे अंदर जो भाव विचार है वो मेरा निर्णय है, बट जो फल परिणाम आ रहे हैं
वो तो पूरी प्रकृति के सहयोग से हो रहा है, पूरी प्रकृति की पूरकता से हो रहा है जी। अब बताएं जी। जी भैया जी, मेरी समझ ये बनी थी कि हमें कर्ता भाव और भोक्ता भाव से उठकर अगर स्थिर या आप जिसको शुद्ध दृष्टा भाव कह रहे हैं उसमें हमें अगर हम खुद को स्थिर कर पाए तो ये ऐसा ग्रेडेड इवोल्यूशन की तौर पर मैं उसे देख रहा था, क्या मैं सही हूँ? नहीं, मैंने जो बात कही वो सुनने में नहीं आई, मैं इसको फिर से रखता हूँ। जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप जी, जी. बोलने का निर्णय लेंगे कि नहीं लेंगे? जी 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 जरूर। तो कर्ता भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? जी जरूर रहेगा, उसके बिना तो बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं जो कहूंगा उसको आप सुनेंगे भी? यस जरूर, है ना। तो आस्वादन भी करेंगे तो भोक्ता भी होंगे। जी 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 जी। अभी ये जो हम भोक्ता भाव में अतृप्त रहते हैं, सुख दुख दोनों को भोगते रहते हैं, वहां से निकलकर हम निरंतर सुख को भोगे, ये बात कही जा रही है। ये जो कर्ता में हम मनमानी करते हैं जी, है ना, उस मनमानी से निकलकर हम व्यवस्था में जिए, ये बात कही जा रही है। तो अभी अभी स्पष्ट हुआ, धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। कर्ता भाव से मुक्त होने का मतलब मनमानी से मुक्त हो जाए, दुख को भोगने से मुक्त हो जाए। हाँ, कल पूरे दिन में यही सोच रहा था तो इसलिए आपके साथ ये मैंने शेयर किया जी। ठीक बात है। और दृष्टा में भी अभी हम खाली रूप का दृष्टा है, है ना, और उसके गुणों का विश्लेषण कर ले रहे हैं, संबंध को देख पाए, व्यवस्था को देख पाए, तो इसलिए कहा जा रहा है हम साक्षी भाव में आ जाए, शुद्ध दृष्टा हो जाए। जो शब्द बार बार प्रयोग होता है कि साक्षी भाव में आए, तो होता क्या है कि हम अगर हम देख नहीं पाते संबंध को, तो संबंध को लेकर विचार करते हैं और उसमें हम दुखी होते रहते हैं। जो कुछ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ अनर्थक घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर हम दुखी होते रहते हैं, हम उससे बाहर निकल पाए, ये तो ठीक ही बात है। वैसे ही है ना, हम ये जो अपने अंदर मनमानी करते रहते हैं, देख लूंगा, दिखा दूंगा, ठीक, अगले को ठीक कर दूंगा, उसको सुधार दूंगा, अब ये सब सोच सोच कर हम अपने अंदर बहुत सारा पीड़ा पालते रहते हैं, उससे हम मुक्त हो जाए, तो ये बात कही जा रही है मुख्य रूप से। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया भैया। नमस्ते सभी को जी। भैया मैं, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम सेल्फ जब डिसीजन ले लेता है एक बार, तो सेल्फ का डेवलपमेंट तो लीनियर है, वो बैक तो होता नहीं है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन में मैंने कल देखा कि मेरे एक गंगा जी है, वो उनका जो है जो आचरण है काफी लंबे टाइम से, मतलब काफी रिलीजियस है वो, काफी उनकी मतलब जो जैसे मंदिर जाना, रास्ते पानी ना पीना, और वो काफी सारी मतलब जो उनकी एक्टिविटीज हैं, और मतलब हमको ये लगता है कि उन्होंने वो उनके मतलब आचरण में सहज तरीके से आया हुआ है। लेकिन भैया ये जब ये कहते हैं ना कि आप जैसे उनका मतलब ब्रेन या तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, या मतलब उनके कंडक्ट में बहुत चेंज आ गया है ऑल ऑफ अ सडन, कि जैसे अब वो मंदिर के लिए जा रहे हैं और क्या कहते हैं रात में पानी पीते उठकर, और जैसे बाजार का चीजों का उनका त्याग था तो वो जैसे खा लेते हैं, और काफी सारी चीजें, तो जैसे अब क्या भैया इसको क्या कहेंगे, जैसे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है, ब्रेन तो फंक्शन कर रहा है, लेकिन सेल्फ ने जो डिसीजन लिया था, मुझे नहीं लगता कि वो अब वो ये चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो कर रहे हैं ऐसा। तो हम जैसे इतने लंबे टाइम से भी अगर कोई सेल्फ ने डिसीजन लिया है तो वो भी एक मतलब प्रभाव था इस वजह से उनके दिमाग में ये सब हो रहा है, जब ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे दसा पूरी बात। बट ये देखिए, ब्रेन का जो स्वास्थ्य है वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, है ना, तो एक साधन के रूप में धीरे धीरे कम काम करता है। वो पूरा हमारा शरीर ही ऐसा है, हमारे लंग्स, किडनी, पेट, लीवर, ये सब धीरे धीरे इनकी शिथिलता बढ़ती जाती है, वैसे ब्रेन की भी शिथिलता बढ़ती जाती है। तो एक समय के बाद जो हम शरीर को संकेत दे रहे हैं वो ब्रेन उसको ठीक से पकड़ नहीं पाता, और जो शरीर से संवेदना को पढ़ रहे हैं उसको भी ब्रेन ठीक से हम तक पहुंचा नहीं पाता, तो एक अवस्था ऐसी आने लगती है। तो शरीर तो एक प्राणावस्था की इकाई है ना, उसमें चक्रियता है, तो जैसे पेड़ पौधे हैं एक समय के बाद जर्जर हो जाते हैं, वापस मिट्टी मिल जाते हैं, वैसे हमारा शरीर भी है। तो शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, एक समय के बाद उस तरह से क्रियाशील नहीं रहती,
तो उम्र के साथ ये चीज दिखाई देता है, मैं कोई मान्यता बनी हुई है, कोई मानना का हाँ मानना बना हुआ है, कोई क्रिया चल रही है, परंतु हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे बॉडी को। जैसे ब्रेन तो काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच रही है ना उनके पास, जो भी अभी जो उनका कंडक्ट है, और लेकिन पहले जो कंडक्ट था उनको जो सहज विकार था, या हो सकता है कि उनका उनकी वो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं रही हो, लेकिन मतलब मेरा ये है कि जैसे इतने लंबे टाइम से वो जो उनका कंडक्ट था और उनको वो एक्सेप्टेंस या नेचुरल एक्सेप्टेंस में होगा वो, लेकिन फिर भी वो अब चेंज हो गया इतने सालों बाद भी। तो ये है कि मतलब जैसा हमने सेल्फ में उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और अभी भी उनका सेल्फ तो ये डिसीजन लेना चाह रहा होगा कि भाई ये कंडक्ट मैं ना करूँ, लेकिन फिर वो क्या ना करूँ तो आप खुद से बताइए। आपकी आवाज बीच बीच में ना फिर एक तो थोड़ा वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रही। तो अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे सेल्फ ने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर वो और वो तो जैसे अगर ब्रेन में फंक्शन हो भी रहा है इस समय और फिर भी वो जो कंडक्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मतलब ये पूछना चाह रही थी मैं कि मतलब सेल्फ का डिसीजन भी चेंज हो जाता है क्या अगर ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, लेकिन ब्रेन तो काम कर रहा है लेकिन वो एक्टिविटी वो नहीं कर रहे हैं जो पहले चाहते थे। क्या करते थे पहले? जैसे पहले जैसे उनका नियम था कि डेली मंदिर जाना है, बाजार का कुछ खाना नहीं है और रात में पानी नहीं पीना है, और तो अभी एकदम से उनको जैसे उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी किडनी वगैरह में, तो अब जैसे ये है कि अब उससे ब्रेन का क्या संबंध हो गया, जैसे ब्रेन में जैसे ये तो मुझे अभी, समझ अभी क्या हो रहा है, अभी क्या नहीं कर पा रहे हैं अभी, मतलब उनकी जो डेली कंडक्ट है वो चेंज हो गया है, जैसे वो पहले या तो वो ये हो गया है कि वो रात में पानी पी लेते हैं, बाजार में जाके कुछ खा लेते हैं, या फिर ऐसे करके जो उन्होंने नियम लिए हुए थे या आचरण था। हाँ, इसमें देखिए ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारे नियम बना लेते हैं जीने के लिए बिना समझे हुए, जैसे मंदिर जाना है क्यों जाना है स्पष्ट नहीं है, रात में पानी नहीं पीना है क्यों नहीं पीना है, या इस समय नहीं लेटना है क्यों नहीं लेटना है, तो अगर हमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है और हमने बस उसको मान लिया है ठीक है, तो मानने में परिवर्तन हो सकता है, तो शरीर से जब कोई दूसरे तरह की संवेदना आती है तो हमारे वो मानना पर ध्यान नहीं जाता है, तो हम भी करते रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि हमने कुछ मान लिया है ठीक है ना, बट कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, बिल्कुल मानना बदल गया, हमने मान लिया कि भाई हम ठीक है आज से कभी घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, बट कोई ऐसी परिस्थिति आई कि हम ऊंची आवाज में बात कर बैठते हैं, तो अगर हमने सिर्फ माना हुआ है जाना नहीं है तभी तो परिवर्तन हो ही सकता है, ये तो परिस्थितियों के अनुसार भी हो सकता है, शरीर की स्थिति के अनुसार भी हो सकता है। हाँ भैया, ये जैसे ये यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा था कि शरीर की स्थिति के हिसाब से हो रहा है, तो जैसे शरीर की स्थिति में ये था कि ब्रेन काम तो अभी कर रहा है, मतलब बाकी अदर एक्टिविटीज तो कर रहा है लेकिन वो चेंज हो गई है, तो इसका मतलब ये था कि जितना इतने लंबे टाइम से उनका जो कंडक्ट था वो मतलब मान्यता के तहत था, मतलब नेचुरली उनको एक्सेप्टेड नहीं था या उन्होंने समझा नहीं था, इसलिए मतलब जांच कर नहीं देखा था समझा नहीं था और मान कर चल रहे थे, ऐसा हो सकता है। आप पाएंगे बहुत सारे लोग हैं वो कमिट कर देते हैं कि भाई हम कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, और बुढ़ापे में मरने के समय इच्छा होती है कि नॉनवेज खाए, तो हमने क्यों नहीं खाना इसको समझा नहीं है, तो वो इच्छा वहां कुछ ना कुछ बनी हुई है, उसकी संवेदना की आशा बनी हुई है ठीक, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो अगर हमने नहीं समझा है तो हम सबके साथ हो सकता है, अगर हमने नहीं समझा है तो हम हो सकता है कोई चीज को मान के पूरी उम्र जिए, बट आखिर में इच्छाओं को पूरा करने की एक है ना ललक बनी रहे अपने अंदर, ये हो ही सकता है। तो यही है कि सेल्फ ने अगर समझा नहीं है तभी उनका ये इस स्टेज पे आके भी वो जो कंडक्ट है वो चेंज हो गया है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन तो जा ही रही है। जी जी, और उसका ये है कि हाँ सेल्फ ने उसको नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं था जो भी आचरण वो इतने सालों से कर रहे थे, और अब जाके जब उनका शरीर में शिथिलता आ गई है या फिर ब्रेन के फंक्शन में मतलब प्रॉब्लम आ गई है, तो वो कंडक्ट उनका जो दबा हुआ था या फिर जो उनको नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं था वो अब आ रहा है उनके कंडक्ट में।
जी, तो ऐसा नहीं कि नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं था, नेचुरली एक्सेप्टेड था बट नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखा नहीं, समझा नहीं। जैसे हम है ना नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे जीने का प्रयास तो कर रहे हैं बट नेचुरल एक्सेप्टेंस को पूरी तरह से देखा नहीं है, तो उससे कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, इतनी ही बात है। बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि वो डिस्कस भी किया था मैंने मैम के साथ, ज्योति मैम के साथ, तो मैम बोली, मैम कह रही थी कि एक बार प्रिया से और डिस्कस करके देखना कि क्या रिजल्ट मिलता है इसका, कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। तो ठीक है भैया, अच्छा बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया दीदी जी। लेक्चर से हम लोग और आगे अभी बात करने वाले हैं कि जो हमारी आशा है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, उसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या होगा। जी नेक्स्ट स्लाइड भी। तो हमें ये दिखता है कि हमारा जो बेसिक चाहना है, मूल चाहना है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की है, और जो समृद्धि की चाहना है वो निरंतर सुख का ही एक भाग है। तो अभी तक जितनी हम लोगों ने जांच पर रखी, जितनी चर्चा की, उससे बात दिखाई देती है कि मूल रूप से तो हम सुखी होना चाहते हैं, वो भी निरंतर सुखी होना चाहते हैं, और समृद्धि का जो भाव है उस निरंतर सुख के भाव का ही एक भाग है। ये भी दिखता है कि निरंतर सुख पूर्वक जीने की जो आशा है वो ज्ञान से, समाधान से पूरी होती है, यानी स्वयं में सही समझ, सही भाव, सही विचार से पूरी होती है। सही भाव और सही विचार को ही समाधान का। तो ब्लॉक B1 में जो कुछ होना है वो ज्ञान है, उसके आधार पर सही भाव सुनिश्चित होना, सही विचार सुनिश्चित होना, ये समाधान है। तो अगर हम जीने के पूरे फैलाव में देखें है ना, तो जो भी हमारे जीने के भिन्न भिन्न आयाम है, स्वयं में जीना हो, शरीर के साथ जीना हो, दूसरे मानव के साथ जीना हो, प्रकृति के साथ जीना हो, पूरे अस्तित्व में जीना हो, इन सारे आयामों में स्पष्टता होना बनता है, तो तभी हमारा समाधान पूरा हुआ। तो एक काम हम ब्लॉक B1 के लिए कर रहे हैं कि ब्लॉक B1 में हमें संबंध दिख जाए, व्यवस्था दिख जाए, सहस्तित्व दिख जाए, उसी के साथ साथ हम ब्लॉक B2 में कल्पनाशीलता में भी काम कर रहे हैं। तो ब्लॉक B1 में जितना काम हम पूरा कर पाते हैं, ब्लॉक B2 में उतना निश्चित हो जाता है। तो ब्लॉक B1 में ज्ञान सुनिश्चित हुआ, तो ब्लॉक B2 में सही भाव, सही विचार सुनिश्चित हुआ। अब हम उसके साथ पूरे जीने के स्वरूप को फैला के देखते हैं कि इस ज्ञान के साथ, भाव के साथ, विचार के साथ हमारा जीना कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, कार्य कैसा होगा, भागीदारी कैसी होगी, इसका समाज कैसा होगा, पूरी व्यवस्था कैसी होगी, परंपरा कैसी होगी, ये पूरा हमको स्पष्ट हो जाए, इसको समाधान कह रहे हैं। इसके साथ हम लोग थोड़ा आगे अभी स्टडी करते हैं। तो मानव की चाहना देखें तो निरंतर सुख है। निरंतर सुख ज्ञान और समाधान से पूरा होता है। ज्ञान को राइट अंडरस्टैंडिंग कहा, समाधान को सही भाव, सही विचार यानी रिजोल्यूशन कहा। तो मेरी चाहना मेरी आवश्यकता है, और जो ज्ञान होना है मुझ में होना है, समाधान होना है मुझ में होना है, तो मेरी ही क्रिया है। समाधान को फैला के देखें तो समाधान का मतलब इन सब की स्पष्टता हो जाए, जो 3.1 से 3.9 तक लिखा है, इन सब की स्पष्टता हो जाए। तो ज्ञान क्या है ये स्पष्ट हो जाए, ज्ञान के आधार पर विवेक स्पष्ट हो जाए। विवेक का मतलब क्या हुआ, मानव लक्ष्य की पहचान ठीक ठीक हो जाए, उसके आधार पर विज्ञान सुनिश्चित हो जाए। विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, ये मुझे पूरा स्पष्ट हो जाए। उसके आधार पर मुझे व्यवहार की स्पष्टता हो जाए, कार्य की स्पष्टता हो जाए, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की स्पष्टता हो जाए। उसके साथ ही समाज की अखंडता का स्वरूप क्या होगा, ये मुझे स्पष्ट हो जाए। उसके साथ सार्वभौम व्यवस्था का जो पूरा स्वरूप है ये स्पष्ट हो जाए। उसके साथ मानवीय परंपरा का जो पूरा स्वरूप है, जिसमें मानव लक्ष्य की पूर्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहे, ये स्पष्ट हो जाए। इस पूरे को मिलाकर हमने समाधान कहा। और दिखता है कि मानव परंपरा में जो घटित होना है वो मुझे अपने विवेक में स्पष्ट हुआ था। तो मानव परंपरा में वो फल परिणाम के रूप में आता है ना, एक पीढ़ी दो पीढ़ी लगाकर, बट विवेक में मुझे आज से ही वो स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे ही मुझे ज्ञान सुनिश्चित होता है तो ज्ञान के साथ मेरे अंदर विवेक सुनिश्चित होता है, उसका मानव लक्ष्य स्पष्ट होता है, और फिर मानव लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार संबंध में, व्यवस्था में होगी, कैसे उसकी परंपरा बनेगी,
ये भी स्पष्ट होता है, और फिर वो जब उसकी पूर्ति होती तो उसकी एक रूपता दिखाई देती कि हाँ ऐसा ही मुझे अपने आप में स्पष्ट हुआ था। इस पूरे को मिलाकर समाधान का तो चाहना बराबर निरंतर सुख, निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, समाधान बराबर ज्ञान विवेक विज्ञान व्यवहार कार्य व्यवस्था भागीदारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा, इन सबको मिलाकर समाधान का। इसको लेकर हम लोग कल और विस्तार से बात करेंगे, इसको और विश्लेषित करेंगे, है ना, एक एक शब्द के अर्थ में जाएंगे। और बहुत अच्छा है जिस तरह से आप लोग एक एक शब्द के अर्थ में जाकर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जीने से जोड़ कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। नमस्ते भैया जी, भैया जी बस एक निवेदन है कि हिंदी नहीं मैं कंफर्टेबल हो पाती हूँ, और मैं अभी इस चीज को ऐसे जोड़ पा रही हूँ कि मैं क्योंकि निरंतर सुखी होना चाहती हूँ, और एक जो आशा जैसे अपने अंदर दिखती है इस चीज को मैं और अच्छे से समझ पाऊँ आपके गाइडेंस में, इसलिए बार बार ये निवेदन होता है कि जितना मैं हिंदी को कन्वर्सेशन जैसे आपसे हो पाता है तो मेरे लिए वो कम्फर्टेबल होता है। अभी एक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें थ्रू आउट इंग्लिश यूज हो रहा है, तो वो मिनट्स को मैं पढ़ पाती हूँ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, पर जो कनेक्ट बैठता है ना भाव का वो बैठ ही नहीं पा रहा है, तो मैं उसको मतलब रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। जैसे हिंदी में जो समझ बनती है या उतना भाव का कनेक्ट बैठता है वो इंग्लिश से बन ही नहीं पाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट वो चीज एक थोड़ा मुझे टफ हो रही है, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है या तो वो चीज वैसा मैं किससे रिजॉल्व करूँ ये मुझे गाइड करिए, या फिर क्या वो हिंदी में संभव है। देखिए अभी इतना तो हम लोग कर रहे हैं कि हिंदी के सत्र में पूरी तरह से हिंदी में बात रख रहे हैं, है ना, और एक तरह से देखें तो उसी को अभ्यास के रूप में असाइनमेंट के रूप में चैट बॉक्स में लिखा जा रहा है। अब अगर उसको हिंदी में रखना हो तो अपने लिए थोड़ा सा काम तो बढ़ेगा, अगर आप अभी हिंदी का जो सत्र आप पूरा अटेंड कर रही हैं इससे अगर आपको बात इंगित हो जाती तो बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग सोचेंगे उसके लिए और क्या कर सकते हैं। ये भी कंसर्न आता है जैसा शबनम जी की तरफ से एक दो बार कंसर्न आया है कि हिंदी के सत्र में अंग्रेजी का भी प्रयोग हो, तो अभी दोनों तरह के कंसर्न है, है ना, तो अब ये दोनों को बिल्कुल ठीक ठीक पूरा कर पाने में थोड़ी कठिनाई तो है। नहीं मतलब ये एक चीज बोलना है कि अंग्रेजी का तो स्पेशल क्लास है ही ना, मतलब और हम सब भारतीय हैं तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको हिंदी आती नहीं होगी जी, अभी तो... अभी इसको नहीं जाते हैं, है ना, अभी तो इतना देख लेते हैं कि अभी हमको समझने में कैसे सहयोग मिल रहा है। तो हिंदी का भी सत्र है, अंग्रेजी का भी सत्र है, अपने कई साथी दोनों सत्र भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसा लें कि ये भाषा सीखने का भी एक अवसर है, तो भाव में भी हम पूरे पढ़े और धीरे धीरे भाषा को भी सीख लें। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बढ़िया बढ़िया दीदी बढ़िया जी। भैया कुछ अनाउंसमेंट हो तो हाँ, कर ले जी भैया। तो एक अनाउंसमेंट ये है कि जो भी हमारे साथियों ने सिक्स बैच में अपनी शेयरिंग रखी थी और उसका ट्रांसक्रिप्ट जो देना है उसकी आज लास्ट डेट है, तो जो साथियों ने अभी तक नहीं दी है वो कृपया आज दे, क्योंकि उसका बुक बनने की प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है। उसी तरह से जो क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पुटअप किए जाते, तो जो साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो कृपया उसे ज्वाइन करें, उसकी लिंक भी चैट बॉक्स में अवेलेबल है। और हमारे जो सेशंस होते हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो साथी वहाँ पे भी जाके उसको रिविजन के लिए सुन सकते हैं, उसकी भी लिंक चैट बॉक्स में है। और जो भी हमारे जो FDP है उसमें वॉलेंटियरिंग के रूप में अपनी भागीदारी को करना चाहते हैं अपना नाम वॉलेंटियर्स के पास या तो चैट बॉक्स में दे सकते। तो भैया आज के लिए हम रुक सकते हैं जी। भैया जी भैया धन्यवाद। तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगा कि हम लोग इस पूरी बात को अपने आप में देखें, जितनी बात आज हुई बहुत सारे मुद्दों पर स्पष्टता बनी है, उसको हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में भी। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते नमस्ते।